हेलो गाइस, आज मेरे पास है वीवो T3 Pro। आज इस वीडियो में इसकी बैटरी ड्रेन और चार्जिंग टेस्ट करूंगा। इसके साथ में ऐड कर चुका हूँ लेटेस्ट 5 फोन जो 20 से 30 हजार की प्राइस सेगमेंट में आता है। तो चलिए सबसे पहले मेरे पास कौन सा फोन है और उसका क्या स्पेसिफिकेशन है वो जान लेते हैं। मेरे पास फर्स्ट जो फोन है मोटो G85, सेकंड है मोटो H50 फ्यूजन, थर्ड है वीवो T3 Pro, फोर्थ है iQOO Z9S, फिफ्थ है iQOO Z9S Pro और लास्ट में है OnePlus Note 4। दो मोटो की फोन में है 5000 mAh की बैटरी, बाकी सब में है 5500 mAh की बैटरी। ये सारे फोन इनबॉक्स कितने वाट की एडाप्टर के साथ आता है, मेरे पास कौन सा रैम वेरिएंट है और ये सारे फोन में कौन सा प्रोसेसर है आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले मैं सारे फोन की बैटरी ड्रेन टेस्ट करूंगा क्योंकि अभी जो सारे फोन है वो 100% चार्ज है। पूरे टेस्ट के दौरान फोन में वाईफाई ऑन रहेगा और सारे फोन को मैं सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट करके रखा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सारे फोन का डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो मैं 120 हर्ट्ज में सिलेक्ट करके रखा हूँ। OnePlus Note 4 में है 1.5K के रेजुलेशन का डिस्प्ले, बाकी सब में है फुल HD प्लस रेजुलेशन डिस्प्ले। OnePlus में मैं फुल HD को सिलेक्ट करके रखा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। पूरे टेस्ट के दौरान सारे फोन का ब्राइटनेस और वॉल्यूम फुल रहेगा, तो यहाँ पर मैं ब्राइटनेस और वॉल्यूम को फुल कर लेता हूँ। तो ऐसे स्टार्ट होता है बैटरी ड्रेन टेस्ट। तो स्टॉपवॉच को स्टार्ट में क्लिक करता हूँ। सबसे पहले 1 आवर्स के लिए सारे फोन में मैं स्कोर टेस्ट करूंगा क्योंकि पहला अंतुतु स्कोर देख लेते हैं सारे फोन में। मैं पहले से सारे फोन में अंतुतु को रन करके रखा हूँ, फिर से आप लोगों के सामने यहाँ पर टेस्ट अगेन में क्लिक करते और देख लेते कौन सा फोन जो है ज्यादा अंतुतु स्कोर लेकर आता है। तो सारे फोन का अंतुतु स्कोर आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं सारे फोन की ब्राइटनेस को थोड़ा सा डाउन कर चुका हूँ ताकि आप आसानी से देख सकते हो कौन सा फोन में कितना अंतुतु स्कोर आया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अंतुतु स्कोर लेकर आए OnePlus Note 4 और बाकी सारे फोन में कितना स्कोर आए यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए सारे फोन में CPU थॉटलिंग को 30 मिनट के लिए रन करके देख लेते किसका थर्मल मैनेजमेंट सबसे अच्छा है। चलिए यहाँ पर सारे फोन का ब्राइटनेस फिर से यहाँ पर फुल कर लेता हूँ और यहाँ पर CPU थॉटलिंग को स्टार्ट में क्लिक करता हूँ। CPU थॉटलिंग रन कम्प्लीट होने के बाद सारे फोन का हीट को भी टेस्ट करके देखेंगे, कौन सा फोन ज्यादा हीट होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। CPU थॉटलिंग रन कंप्लीट हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा स्कोर लेकर आए 91% Moto G85, बाकी कौन सा फोन कितना स्कोर लेकर आए आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए अब हीट को भी टेस्ट करके देख लेते। पहला आप देख सकते हो रूम का टेम्परेचर कितना है 31 और यहाँ पर आप देख सकते हो OnePlus कितना हीट हुआ है 36, iQOO Z9S Pro हीट हुआ है 38, iQOO Z9S ने हीट हुआ है 36, Vivo T3 Pro हीट हुआ है 38, Moto H50 Fusion 37 है और G85 35 है। चलिए अब इस सारे फोन में Geekbench 6 को रन करके देख लेते हैं किसका सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर ज्यादा निकल कर आता है। तो यहाँ पर रन CPU बेंचमार्क में क्लिक करता हूँ। हाँ, मुझे पता है आपको ये टेस्ट पसंद आ रहा है, लेकिन आप एक गलती करते हो, वीडियो को ना पूरा देखकर सीधा एंड में चला जाते हो रिजल्ट देखने के लिए। जब आप रिजल्ट देखते हो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए आप उल्टा सीधा कॉमेंट करते हो। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप स्किप ना करके पूरा देखो यार। हर घंटे में ये सारे फोन कितना बैटरी को ड्रेन करता है सब कुछ मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे फोन में स्कोर आ गए, सिंगल स्कोर सबसे ज्यादा लेकर आए iQOO Z9S Pro और मल्टी स्कोर सबसे ज्यादा लेकर आए OnePlus। बाकी ये सारे फोन कितना स्कोर लेकर आए आप यहाँ पर देख सकते हो। तो स्कोर टेस्ट करते करते 1 आवर्स प्लस हो गए, तो चलिए अब बैटरी परसेंटेज को भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले Moto G85 का देख लेते हैं, यहाँ पर 89% बैटरी है। H50 फ्यूजन में है 84%, Vivo T3 Pro में है 82%, iQOO Z9S में है 90%, Z9S Pro में है 86% और OnePlus में है 84%। चलिए भाई, सारे फोन में 1 आवर्स के लिए कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेते बैटरी कितना ड्रेन होता है। तो यहाँ पर सारे फोन की कैमरा को मैं ऑन कर लेता हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग्स की बात किया जाए तो OnePlus Note C4 में आप 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी ये सारे फोन में 4K 30fps का सपोर्ट है और यहाँ पर Moto G85 में फुल HD 30fps का सपोर्ट है, इसलिए मैं सारे फोन में फुल HD 30fps को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सारे फोन में फुल HD 30fps को सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग को आप लोगों के सामने ऑन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी फोन में फ्लैश लाइट जो है ऑन नहीं है। तो चलिए 1 आवर्स के बाद चेक कर लेते हैं सारे फोन बैटरी कितना ड्रेन करता है। फाइनली 2 आवर्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे फोन में रिकॉर्डिंग टाइम जो है वो सेम है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग में आपके सामने ऑफ कर रहा हूँ,
अगर आप ऐसे कोई भी फोन में ज्यादा देर के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हो, फोन जो है हीट होता है। तो चलिए यहाँ पर हीट को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रूम का जो टेम्परेचर अभी है वो 31 है। वन प्लस कितना हीट हुआ है, 38 डिग्री के आसपास में हीट हुआ है। iQOO Z9 S Pro 41, iQOO Z9 S 39, vivo T3 Pro देख सकते हो ये भी 41 है। Moto H50 Fusion 40 डिग्री और G85 देख सकते हो 39 है। तो चलिए अब बैटरी परसेंटेज को भी चेक कर लेते। Moto G85 में अभी जो बैटरी है 78, H50 Fusion में है 69, vivo T3 Pro में है 68, iQOO Z9 S में है 79, iQOO Z9 S Pro में है 73 और OnePlus में है 74। चलिए अब SRA फोन में 2 आवर्स के लिए YouTube पर एक मूवी को प्ले करके देख लेते बैटरी कितना ड्रेन होता है। सारे फोन में मैंने मूवी को चूज कर लिया। तो चलिए यहाँ पर ब्राइटनेस और वॉल्यूम फिर से यहाँ पर मैं फुल कर देता हूँ और मूवी को फुल स्क्रीन में प्ले करता हूँ। SRA फोन को यूज करते हुए फाइनली 4 आवर्स कंप्लीट हो गए। तो चलिए बैटरी परसेंटेज को चेक कर लेते हैं। Moto G85 में है 51% बैटरी, H50 Fusion में है 48%, vivo T3 Pro में है 50%, iQOO Z9 S में है 55%, iQOO Z9 S Pro में है 56% और OnePlus में है 53%। चलिए अब SRA फोन में 1 आवर्स के लिए BGMI गेम को प्ले करके देख लेते बैटरी कितना ड्रेन होता है। सबसे पहले आप सारे फोन की ग्राफिक सेटिंग्स देख लीजिए। Moto G85 में आप 40fps में गेम खेल सकते हो। ये तीनों फोन में 60fps का सपोर्ट है और OnePlus में 90fps का सपोर्ट है। तो Moto G85 में 40fps का सपोर्ट है, इसलिए मैं सारे फोन में 40fps को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारे फोन में सेम मैप को भी सिलेक्ट कर लिया। तो चलिए यहाँ पर गेम को स्टार्ट में क्लिक करता हूँ। तो SRA फोन को यूज करते हुए फाइनली 5 आवर्स कंप्लीट हो गए। तो चलिए अब बैटरी परसेंटेज को चेक कर लेते। Moto G85 में है 35% बैटरी, H50 Fusion में है 32%, vivo T3 Pro में है 41%, iQOO Z9 S में है 46%, iQOO Z9 S Pro में है 42% और यहाँ पर आप देख सकते हो OnePlus में 42%। चलिए अब SRA फोन में 1 आवर्स के लिए फेसबुक को यूज करके देख लेते बैटरी कितना ड्रेन होता है। फाइनली 6 आवर्स कंप्लीट हो गए। तो चलिए बैटरी परसेंटेज को चेक कर लेते। Moto G85 में है 21% बैटरी, H50 Fusion में 18% बैटरी, vivo T3 Pro में है 24% बैटरी, iQOO Z9 S में है 32%, iQOO Z9 S Pro में है 26% और OnePlus में है 28%। तो चलिए अब ये सारे फोन में 1 आवर्स के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो प्ले करके देख लेते बैटरी कितना ड्रेन होता है। फाइनली मोटरोला H50 Fusion जो है स्विच ऑफ हो गए 6 आवर्स 47 मिनट में। चलिए इस फोन को यहाँ पर मैं पलट देता हूँ और सारे फोन में मैं फिर से इंस्टाग्राम रील्स को कंटिन्यू करता हूँ। SRA फोन को यूज करते हुए फाइनली 7 आवर्स कंप्लीट हो गए। तो चलिए अब सारे फोन की बैटरी परसेंटेज को चेक कर लेते। Moto G85 में है 3% बैटरी, vivo T3 Pro में है 7% बैटरी, iQOO Z9 S में है 19% बैटरी, iQOO Z9 S Pro में है 9% बैटरी और OnePlus में 15% बैटरी। अब जब तक SRA फोन स्विच ऑफ नहीं होता है YouTube पर शॉर्ट्स वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। फाइनली Moto G85 भी स्विच ऑफ हो गए 7 आवर्स 15 मिनट में। चलिए इस फोन को यहाँ पर मैं पलट देता हूँ और ये चारों फोन में मैं फिर से YouTube शॉर्ट्स को कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली Vivo T3 Pro स्विच ऑफ हो गया 7 आवर्स 30 मिनट्स में। चलिए इस फोन को यहाँ पर मैं पलट देता हूँ और ये तीनों फोन में फिर से YouTube शॉर्ट्स को कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली iQOO Z9 S Pro जो है स्विच ऑफ हो गए 7 आवर्स 42 मिनट्स में। चलिए इस फोन को यहाँ पर मैं पलट देता हूँ और ये दोनों फोन में फिर से मैं यूट्यूब शॉर्ट्स को कंटिन्यू करता हूँ। OnePlus Nord 4 जो है 8 आवर्स 13 मिनट में स्विच ऑफ हो गए। तो चलिए इस फोन को यहाँ पर मैं पलट देता हूँ और iQOO Z9 S में फिर से YouTube शॉर्ट्स को कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली iQOO Z9 S स्विच ऑफ हो गए 8 आवर्स 25 मिनट्स में।
तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो आपने तो देखा ही होगा ये सारे फोन कितने टाइम में स्विच ऑफ हुआ है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन में भी देख सकते हो। देखो यार, मुझे लग रहा है ये सारे फोन में जो बैटरी मिल रहा है ना, उसके हिसाब से उसका बैकअप भी अच्छा मिल रहा है। Vivo T3 Pro का भी बैटरी बैकअप मुझे ठीक ठाक लगा है। अभी सारे फोन में बैटरी जो है जीरो, तो चलिए 0% से 100% होने के लिए सारे फोन कितना टाइम लेता है, चलिए वो टेस्ट करके देख लेते हैं। ये सारे फोन के साथ इनबॉक्स जो चार्जर आता है, चलिए उसको फटक से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे फोन को मैं चार्जर के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पर चार्जर का स्विच को ऑन करते 3, 2, 1। उसी के साथ यहाँ पर मैं स्टॉप वॉच को रिस्टार्ट में क्लिक करके फिर से यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे फोन में अभी पावर आ गया है, और सारे फोन को मैं स्विच ऑन करके चार्जिंग टेस्ट करूंगा। तो चलिए 10 मिनट्स के बाद देख लेते हैं कौन सा फोन कितना चार्ज होता है। तो ये सारे फोन चार्ज होते हुए फाइनली 10 मिनट्स कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब बैटरी परसेंटेज को चेक कर लेते हैं। मोटो जी 85 जो है 20% चार्ज हुआ है, H50 फ्यूजन ने चार्ज हुआ है 32%, यहाँ पर Vivo T3 Pro ने चार्ज हुआ है 24%, IQ Z9S ने चार्ज हुआ है 17%, IQ Z9S Pro ने चार्ज हुआ है 24%, और OnePlus ने चार्ज हुआ है बहुत ज़्यादा यार 42%। ऐसे भी ये फ़ोन 100 वाट के एडेप्टर के साथ आता है तो बहुत फास्ट चार्ज होगा। 10 मिनट चार्ज होने के बाद ये सारी फ़ोन कितना हीट हुआ है वो भी टेस्ट करके देख लेते हैं। पहले आप देख सकते हो रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है, OnePlus 35-36 डिग्री के आसपास में हीट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो IQ Z9S Pro 37, Z9S 36, Vivo T3 Pro 37, Moto H50 Fusion 37, और यहाँ पर G85 देख सकते हो 35 है। चलिए अब 30 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं सारे फोन कितने चार्ज होता है। फाइनली 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए, तो चलिए बैटरी परसेंटेज चेक कर लेते हैं। G85 में 52%, H50 Fusion में 75%, और यहाँ पर Vivo T3 Pro में है 67%, IQ Z9S में है 49, और IQ Z9S Pro में है 69, और OnePlus में है 95। चलिए अब देख लेते हैं कि OnePlus Nord 4 फुल चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेता है। फाइनली OnePlus Nord 4 100% चार्ज कंप्लीट हो गया है 36 मिनट में। चलिए इसका हीट को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो पहला रूम का टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हो 30 डिग्री है, फोन का टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हो 36 डिग्री के आसपास में है। चलिए इस फोन को यहाँ पर मैं पलट देता हूँ, इसके बाद कौन सा फोन 100% चार्ज होता है वो देख लेते हैं। फाइनली IQ Z9S Pro 100% चार्ज कंप्लीट कर चुका है। चलिए इसका हीट को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। पहले आप देख सकते हो रूम का जो टेम्परेचर अभी है वह 30 डिग्री, फोन का टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हो 40 डिग्री के आसपास में हुआ है, क्योंकि ये जो फोन है चार्जिंग के दौरान थोड़ा ज्यादा हीट होता है। ऐसे भी ये फोन 45 मिनट में 100% चार्ज कंप्लीट कर चुका है। चलिए इस फोन को यहाँ पर मैं पलट देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो Vivo T3 Pro भी 100% चार्ज कंप्लीट कर चुका है 46 मिनट में। चलिए इसका हीट को भी टेस्ट करके देख लेते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है, और फोन का टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हो 40 डिग्री है। IQ Z9S Pro की तरह भी ये फोन जो है 40 डिग्री के आसपास में हीट हुआ है। तो चलिए इस फोन को भी यहाँ पर मैं पलट देता हूँ। फाइनली Motorola H50 Fusion 100% चार्ज कंप्लीट कर चुका है 52 मिनट्स में। चलिए इसका हीट को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। रूम का टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हो 30 डिग्री है, और फोन का टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हो 37 डिग्री 38 डिग्री के आसपास में हुआ है। फाइनली IQ Z9S 100% चार्ज कंप्लीट कर चुका है 1 hour 7 मिनट में। चलिए इसका हीट को भी टेस्ट करके देख लेते हैं। रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री, फोन का टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हो 35 डिग्री के आसपास में हुआ है। फाइनली Moto G85 भी 100% चार्ज कंप्लीट कर चुका है 1 hour 32 मिनट्स में। चलिए इसका हीट को भी टेस्ट करके देख लेते। पहला आप देख सकते हो रूम का जो टेम्परेचर है अभी 30 डिग्री, और फोन का टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हो 34 डिग्री के आसपास में फोन हीट हुआ है। ये तो था बैटरी चार्जिंग टेस्ट Vivo T3 Pro के साथ ये लेटेस्ट 5 फोन की। आपने तो देखा ही होगा ये सारे फोन जो है अच्छा बैटरी बैकअप भी देता है, और चार्ज होने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है। Vivo T3 Pro और IQ Z9S Pro दोनों फोन सेम है भाई, इसलिए दोनों फोन जो है 40 डिग्री के आसपास में हीट होता है चार्जिंग के दौरान। और आपने तो देखा ही होगा ये दोनों फोन की बैटरी बैकअप में इतना ज्यादा अंतर भी नहीं है। वेल, अब ये लेटेस्ट 6 फोन से कौन सा फोन खरीदना चाहते हो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो।
देखो यार, ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। अगर आपने इतने देर तक वीडियो देख लिया तो आपको अच्छे से आइडिया है ऐसे वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अब एक लाइक कर दीजिए, वो मेरे लिए काफी है। अगर आप ऐसे लेटेस्ट स्मार्टफोन की बैटरी कंपैरिजन देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।